नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। कन्फाइनमेंट, लॉकडाउन, बहुत सारे बदलाव, किसी के लिए ये बहुत ही अच्छा अनुभव तो किसी के लिए बहुत कटु अनुभव। किसी को फैमिली के साथ समय बिताने का गोल्डन मौका मिला तो किसी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं भी आईं। यानी अच्छे बुरे अनुभवों के बीच चलते चलते हम कुछ शारीरिक समस्याओं से भी जूझे और कुछ मानसिक समस्याओं से भी। एक प्रॉब्लम जो बहुत लोगों ने फेस की वो ये कि हमारे स्किन का टेक्सचर लूज़ हो गया, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम स्क्रीन पर हैं, मोस्ट ऑफ़ द टाइम स्क्रीन देख रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे, वॉक नहीं कर पा रहे, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई और उससे हमारा स्किन का टेक्सचर लूज़ होता चला गया। हम अक्सर इसी पोजिशन में हैं, चाहे हम रीड कर रहे हैं, चाहे हम लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, मोबाइल पर काम कर रहे हैं। लूज़ बॉडी पॉस्चर, गर्दन झुकी हुई और लूज़ चेहरा, और साथ में हम बहुत ज़्यादा अपनी स्किन का ख्याल भी नहीं रख पाए इस समय में। आप अगर चाहते हैं कि बिना किसी कॉस्मेटिक के, क्योंकि आप कहीं बाहर किसी स्पा या कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तब भी आप नियमित योगाभ्यास करके, इनफैक्ट न भी जाएं तो भी नियमित योगाभ्यास करके आप पा सकते हैं ब्यूटीफुल स्किन, ग्लोइंग स्किन, और आप अपनी स्किन को स्वस्थ रख सकते हैं। एक ऐसी क्रिया जो आपको नियमित रूप से अभ्यास करनी है, षडमुखी मुद्रा। षडमुखी मुद्रा सभी लोग कर सकते हैं एक्सेप्ट पेशेंट्स ऑफ एस्थमा एंड पेशेंट्स ऑफ हार्ट एलमेंट्स। अगर आपको हृदय से संबंधित परेशानी है या आपको एस्थमा है तो आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सभी कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि पंच तत्वों से ये शरीर बना है एंड फाइव एलिमेंट्स, यू नो, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो भी कुछ बाहर है वो सब हमारे भीतर भी है, और पांच ही हमारी इंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हमारा इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। आपकी आँखें, आपकी नाक, आपकी जिह्वा, आपके कान और आपकी स्किन। जब हम आँख को बंद कर लेंगे, नाक को बंद कर लेंगे, मुंह को बंद कर लेंगे, कान को बंद कर लेंगे, तो जितना भी ग्लो है वो स्किन पर नेचुरली आ जाएगा, और इसीलिए इसका नाम है षडमुखी। पांच के मुख बंद किए और छठा आपका मन। तो जब इन छह के छह इंद्रियों को आप, पांच इंद्रियां और छठे मन को आप नियंत्रित कर लेते हैं, इसलिए ये प्रत्याहार जो योग का अंग है उसमें भी बहुत लाभकारी है, और स्किन पर तो ग्लो लाता ही है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे षडमुखी मुद्रा का अभ्यास। षडमुखी मुद्रा के लिए कमर को सीधा रखते हुए अपने आसन में स्थिर होकर के बैठना, जीभ का पाइप बना करके उससे श्वास भरना, श्वास को अपनी गालों में भर लेना, अंगूठे से कानों को बंद करना, पहली उंगली से आंखों को बंद करना, दूसरी उंगली से नासिका को बंद करना, तीसरी उंगली होठ के ऊपर और चौथी उंगली होठ के नीचे रखते हुए चिन लॉक लगा देना। ये ध्यान रहे कि आंखों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, उंगली से सिर्फ बंद करना है हल्के से। फाइनल स्थिति में आप ऐसी ध्वनि सुनेंगे जैसे आप हवा की ध्वनि सुन रहे हो या फिर आप अंडर वाटर हैं। उस ध्वनि पर ध्यान टिकाना, जब लगे अब मैं और सांस नहीं रोक पा रहा हूँ, चिन लॉक खोलना, हाथों को हटा देना, नाक से सांस छोड़ देना। आँख खोलने की कोई जल्दी ना करें, क्योंकि पूरा रक्त का संचार आपकी खोपड़ी की तरफ है। थोड़ी देर आँख बंद करके रुकें और फिर धीरे धीरे से थोड़ा समय रुकने के बाद आँखें खोल दें। इसका अभ्यास 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। क्रियाओं का तो नियमित अभ्यास करें ही, साथ ही आप अपनी स्किन को साफ रखें। सोने से पहले अपना चेहरा अच्छे से क्लीन करके सोएं। मौसम ऐसा है कि आपके पास आम खूब सारे हैं इस वक्त, तो आम खाइए भी और थोड़ा सा आम बचाइए भी। उस बचे हुए आम को पेस्ट बना करके अपने चेहरे पर अप्लाई करें, जिसको हम लेप कहते हैं, जिसको मॉडर्न भाषा में आप पैक भी कहते हैं। तो आम को घिस करके अपने चेहरे पर अप्लाई कर दीजिए, 20 मिनट लगा रहने दें और चेहरा धो दें। आप देखेंगे आपकी त्वचा ग्लो करने लगेगी। आप केले का लेप भी अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। हेल्दी खाएँ, आप नीट खाएँ, नीट दिखें, और प्राकृतिक खाएँ, जिसे हम हैप्पी फूड कहते हैं, जो प्रकृति ने स्वतः आपको दिया है। रॉ फूड खाएं, फल खाएं, सब्जियां खाएं और खूब पानी पिएं, और हमारा कार्यक्रम देखते रहें।